या मनाल पंत जी को कि वो इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सीताराम जी। पूरे देश ने निसंदेह देखा कि किस तरह संकट के समय में युवक कांग्रेस के साथियों ने जनता की सेवा की, और सेवा और जागरूकता की इसी प्रक्रिया को, कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम चर्चा करेंगे वैक्सीनेशन और कोरोना से संबंधित उन मुद्दों पे जिनकी आमतौर पर प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम चर्चा होती है, खासतौर पर वैक्सीनेशन पर, क्योंकि उसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। और डॉक्टर आशीष जैन जो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट तो है ही हैं, इस विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन साथ में एक कलाकार भी हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो जब इंसानियत का प्रोफेशनल क्षमता के साथ एक सद्गुण मिलता है, तब आपके बात करने के लहजे में, लोगों को समझाने के लहजे में और गंभीर मसलों के साथ भी जब इंसानियत जुड़ती है तो उसको नीचे ले जाने तक आसानी होती है। डॉक्टर आशीष जैन, हम सब आपका स्वागत करते हैं और सीधे काम बहुत की बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत अच्छे जो शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां चल रही है, पूरा देश जानता है और सब समझदार लोग समझते हैं कि वैक्सीनेशन कराना नितांत आवश्यक है, लेकिन कई सारे लोगों के मन में ऐसी आशंका है कि वैक्सीन से नुकसान होता है। कई तो ये भी कहते हैं कि वैक्सीन से जान भी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें इस तरह की बात है कि इससे नपुंसकता भी फैल सकती है, तो क्या किसी तरह का नुकसान डॉक्टर साहब वैक्सीन से होता है? देखिए, मैं इसको दो भागों में लेता हूँ। सबसे पहली चीज आपने जो कही है, जान जाने की या नपुंसकता की जो बात है, नपुंसकता वाली बात तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसे कोई किसी शोध में, ऐसे किसी भी शोध पत्र में, किसी भी जर्नल में और किसी भी रिसर्च में ऐसी चीज सामने नहीं आई है, तो इसे तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। दूसरी चीज आपने कही है कि क्या इससे जान जा सकती है, तो यस, कुछ ऐसे माइनर केसेस हुए हैं, तकरीबन 300 से 350 केसेस सामने आए हैं जिसमें कि ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि शायद वैक्सीन के बाद, वैक्सीन के कारण इस व्यक्ति की जान गई है, पर वो संख्या भी इतनी नगण्य है जो इसकी लाभ है उसके अपेक्षा में, कि हमें उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी वो चीज हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा लंबा बात करूंगा, और वो आपने कही है कि क्या इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, तो हाँ, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं इससे, जैसे हल्का बुखार आना, जैसे जोड़ों में दर्द होना, डायरिया होना, उल्टी होना, ऐसे लक्षण 10 में से 1 मरीज में पाए गए हैं, जो संभवतः वैक्सीन लगने के 6 से 8 घंटे के बाद से लेके अगले 2 दिनों तक रहते हैं, और वो एक मामूली पैरास्टामोल की गोली से या कुछ नहीं भी लेने से वो लक्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं। बट मृत्यु वाली बात हमारे आड़े नहीं आनी चाहिए, हमें खुलकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ स्वयं के हित में है, हमारे परिवार के हित में है, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के हित में है, और नपुंसकता वाली बात को तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये जो घटनाएं हुई हैं इसको लेकर लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन का जब पहला दौर चला उस समय चूंकि लोगों में भी जागरूकता का अभाव था, कुछ कमी मीडिया में रह गई, सरकार में रह गई, क्योंकि सेंसिटाइजेशन देश में नहीं हुआ, इसलिए कुछ ऐसे लोगों ने वैक्सीन लगा ली जिनको उस समय नहीं लगवानी चाहिए थी, हाल ही में जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो अभी नहीं हो चलो और ही हैवी अंदर डायबिटीज हो, तो क्या इस तरह की, जिसे कोमोर्बिडिटीज बोलते हैं मेडिकल भाषा में, क्या जिन लोगों पर ये विपरीत प्रभाव पड़ा ये ऐसे ही लोग थे जो वैक्सीन नहीं, जिनको लगवानी चाहिए थी लेकिन फिर भी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली? देखिए, अभी अभी तक हमारे देश में जो दोनों वैक्सीन है उसमें सिर्फ दो मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि वैक्सीन के कॉन्स्टिट्यूएंट से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो तो उसे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि उससे तुरंत ही एनाफाइलेक्सिस या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन का खतरा रहता है, पहली चीज।
और दूसरी चीज उन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है जो कि अभी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए हैं या कोरोना के संक्रमण से उभरे हैं, उनको 3 माह का गैप देना है। अलावा इसके और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है नहीं। अगर बहुत सीवियर बीमारी है तो मेरे ख्याल से पहले हम उस बीमारी का इलाज करवाएं और फिर उसके बाद वैक्सीन की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट वो बहुत ही सीरियस केसेस की हम बात कर रहे हैं। अगर आप हार्ट के ऑपरेशन से उबर चुके हैं, अगर आपको एक स्टेबल डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट की कुछ मामूली सी परेशानी है जिसके लिए आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतर है। तो जब ये पहला दौर वैक्सीनेशन का चल रहा था उस समय हमने देश में देखा कि नवरात्रि भी थे, रोजे भी थे, कई लोगों ने ऐसे समय में वैक्सीन लगवा ली जिनका 8 दिन का उपवास था, जिन्होंने 12-15 दिन तक रोजा किया था, भोजन के अलावा पानी भी बहुत सीमित मात्रा में पिया था। क्या कुछ सावधानियां वैक्सीनेशन से पहले भी रखनी चाहिए उपवास बहुत में? अच्छा प्रश्न है मृणाल भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ आप जनता के सामने लेके आ रहे हैं। देखिए, इसमें पूरे कोरोना काल में, इनफैक्ट अगर वैसे भी देखा जाए तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, कोरोना को भी छोड़ दीजिए तो किसी और बीमारी से लड़ने के लिए भी, पानी की उचित मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, और हाइड्रेटेड बॉडी जो रहती है जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा रहती है, वो बॉडी इम्यूनिटी के हिसाब से काफी इफिशियंट रहती है और वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहती है। तो हमें हमारी इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो हमें पानी खूब पीना है, भूखे पेट नहीं रहना है, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना है। इन सभी चीजों का हमें वैसे भी बहुत ध्यान रखना है, और खास तौर पे इस कोरोना काल में तो कुछ ज्यादा ही रखना है। यही यही जो 3-4 चीजें हैं ये आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, कोरोना बीमारी के लिए भी और कोविड इन्फेक्शन से भी आपको काफी हद तक दूर रखेंगे। और इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जब भी आप कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पहले एक दिन पहले की नींद पूरी तरीके से हुई हो, अच्छी नींद रही हो, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए, और उसके साथ साथ आपने पानी का भरपूर सेवन करना है, बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, खाना भरपेट खा के तब आपको वैक्सीन करवाने के लिए जाना है, और अगले अगले 2 दिनों तक इसी चीज का ध्यान रखना है। कम से कम 2 दिन का तो ध्यान रखना ही रखना है, ताकि जो भी एडवर्स इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं, जो भी एडवर्स रिएक्शन वैक्सीन के कारण आपको हो रही हैं, वो एडवर्स रिएक्शंस आपको कम से कम मात्रा में हो। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने अगर नवरात्रि और रोजे के साथ वैक्सीन लगवाई है वो शायद ठीक चीज नहीं है। उस चीज का आप ध्यान रखें कि वैक्सीन के एक दिन पहले, वैक्सीन वाले दिन और आने वाले 2 से 3 दिनों तक आपको भरपेट भोजन करना है, पानी खूब पीना है और ताजे और फल और सब्जियों का सेवन करना है। जी डॉक्टर साहब, बड़ी काफी क्लैरिटी इस सवाल के साथ हुई। क्या आप आसान भाषा में हमें ये बता पाएंगे कि वैक्सीन शरीर में काम किस तरह से करती है? मृणाल भाई, वैक्सीन एक उस वायरस की ही प्रतिकृति है जो हमारे शरीर में आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचाई गई है। जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी को अटैक करता है जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, जो भी अटैक करता है, वो बॉडी उसको डिफेंड करने के लिए कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स प्रोड्यूस करती है, जो फ्रंट लाइन जो मैक्रोफेजेस हैं वो प्रोड्यूस करती है। उसके प्रोडक्शन में थोड़ा सा समय लगता है। जब एक बार बॉडी उस डिसीज से, उस वायरस से एक्सपोज हो जाती है, तब उसके कुछ सेल्स जाके मेमोरी बैंक में जमा हो जाते हैं, ताकि अगली बार अगर ऐसा कोई आक्रमण शरीर के ऊपर हो तो वो जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करने की और उसको
रिपल्स करने की, उस एक फ्रंटलाइन सेल्स को आगे भेजकर उसको नष्ट करने की वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में उसके टाइम में कमी आए, ताकि हम उसको एबिलिटी से उसको डिफेंड कर सके अपनी बॉडी को। अभी हम वैक्सीन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वैक्सीन के थ्रू हम इसके कुछ प्रोटीन के अंश, अलग अलग तरह की वैक्सीन हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दो तरह की वैक्सीन हिंदुस्तान में हैं। तो कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, यानी वो वायरस है जिसकी की रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी हमने खत्म कर दी है और वो एक मृत वायरस है, बट उसके जो शरीर में जो प्रोटीन है, उसकी जो आवरण में जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन अभी भी इंटैक्ट है, ताकि जैसे ही वो हमारे शरीर में जाता है, वो बॉडी उसकी पहचान कर लेती है कि ऐसा एक आक्रमण हुआ है और वो उसके मेमोरी बैंक में चले जाता है। जो कोविशील्ड है वो एक नई टेक्नोलॉजी पे बना है, एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं, एक चिंपैंजी के एडिनो वायरस को इनएक्टिवेट करके उसको चेंज किया है, जो कि कोविड जैसा दिखता है, शरीर उसकी कोविड जैसे पहचान करता है, जब वो शरीर में जाता है तो वो उसका एक पार्ट जो है वो मेमोरी बैंक बन के शरीर में चले जाता है। जब नेक्स्ट टाइम आपका रियल में कोई इन्फेक्शन होगा, तब तब देखा जाएगा कि ये जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, ये इसको और प्रभावी ढंग से और तेजी से इसको डिफेंड कर सकती है हमारी बॉडी को। तो इस तरीके से ये वैक्सीन्स हमारी काम करती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये माना जाए कि वैक्सीन लगाने के बाद जो थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, जिसे हम बाय रिएक्शन कहते हैं, वो इस फॉरेन ऑब्जेक्ट के शरीर में जाने के कारण होती है। जी, तो इसलिए हमें ये भी मान लेना चाहिए कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, और जो 200-300 दुर्घटनाएं हुई हैं वो संभवतः इसलिए हुई है कि वैक्सीन से पहले जो सावधानियां होनी चाहिए थी वो नहीं रही हो, या फिर उन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली जिनको पहले से कोरोना का संक्रमण हुआ हो और जिनको इस बात का अंदाज नहीं हो, या फिर हाई लेवल की इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज हो जो उन्होंने वैक्सीन लगवाने से पहले हेल्थ वर्कर के साथ शेयर नहीं की। बहुत संभव है ऐसा हुआ हो, पर ये अभी शोध का विषय है, ये पूरी तरीके से जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। पर हाँ, इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो वैक्सीन से होने वाली जान का जो खतरा है, ये हमारे वैक्सीन लगवाने के बीच में ये रोड़ा नहीं बनना चाहिए, ये बहुत ही नगण्य है। और इसे अभी तक ये भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन रिलेटेड डेथ्स थी या एक कोइंसिडेंस था कि दीज आर द पेशेंट्स हु वर इन एनी केस वेरी वीक एंड सफरिंग फ्रॉम द डिसीज और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, ये अभी तक पूरी तरह से सिद्ध भी नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो पूरे देश में इसीलिए हम इस अभियान का सभी लोग समर्थन कर रहे हैं कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं। 130 करोड़ के देश में गिनी चुनी दुर्घटनाएं अगर हुई हैं तो वो भी प्रमाणित नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन के कारण है, क्योंकि जो दूसरे उन लोगों के ऊपर कोई स्थिति थी उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, और सब लोगों को सबकी सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल इस विषय में और करूंगा डॉक्टर साहब, क्या हमें वैक्सीन लगवाने से पहले हेल्थ वर्कर को या डॉक्टर को अपनी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में, अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी से, हाई डायबिटीज से, डायलिसिस करवा रहे हैं, या किसी तरह की एलर्जी है आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या ये सब शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है, पर उससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो आपके रेगुलर डॉक्टर हैं एक बार उनसे संपर्क कर लिया जाए और उनसे एक बार पूछ लिया जाए। मेरे पास मेरे पुराने मरीजों के फोन अक्सर आते हैं जो ये पूछते हैं कि हमें क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि वैक्सीन कार्यक्रम जहां पर वैक्सीन लग रहा है वहां के कार्यकर्ता से बात करने से पहले, मतलब उसको तो बता ही दें, कोई एतराज नहीं है, पर उससे पहले जरूरी यह है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लें, क्योंकि उसको आपको आपके शरीर का पूरा इतिहास की जानकारी है, उसके पास सारे पर्चे हैं जिनको कि वो पलट कर देख सकते हैं, और अगर ऐसे कोई कारण बनते हैं कि आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा एक उचित
माध्यम रहेगा, पर हेल्थ वर्कर को भी बता देने में कोई ऐतराज नहीं है। डॉक्टर साहब, अप्रैल और मई का एक ऐसा दौर था जब बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सक ये कहते थे कि सावधानी इस तरह से बरतें ये मानकर कि सामने वाले हर व्यक्ति को कोरोना है और हमें अपना बचाव करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो वैक्सीनेशन ही सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस बीच कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं या इस तरह की आशंका है या भ्रम है ये कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद खून गाढ़ा होता है, और अगर खून गाढ़ा होता है तो क्या कोई दवाई साथ में ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिनको हाई कोलेस्ट्रोल है या बीपी है, ताकि इससे अगर वास्तव में ऐसा होता है, अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर होता है तो इससे किस तरह से बचा जा सके। जी मृणाल भाई, जो आपके प्रश्न का पहला भाग था जिसमें आपने कहा कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है और उचित सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बात सिर्फ अप्रैल और मई के लिए नहीं थी, वो बात आज भी लागू है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके के हालात हैं वो बात अगले कुछ सालों तक हमारे ऊपर लागू रहेगी, और वो सारी सावधानियां हमें बरतनी ही पड़ेंगी चाहे कोरोना का स्तर कोई भी हो। आज वो वेव नहीं है, आज वो वेव खत्म होने लगी है, मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, पर क्या हमें वो सावधानियां कम कर देनी चाहिए? तो कतई नहीं। हमें वो मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसी तरीके से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी प्रभावकारी वैक्सीन है उतना ही प्रभावकारी ये तीनों चीजें हैं, और सभी वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क, ये सभी मिलके हमारे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत हमारी रक्षा करेंगे, हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की रक्षा करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सावधानियों में कोई ढील न दी जाए। ये मैं इसलिए बताऊं क्योंकि जो आपने पॉइंट बोला है मैं उसको स्ट्रेस कर रहा हूं। रही बात कि क्या वैक्सीन से खून गाढ़ा होता है या कुछ और दूसरी परेशानियां होती हैं, तो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे, ऐसे प्रश्न उठाए थे जिसका कि WHO ने भी साफ ना कर दिया, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने तो किया ही था, साथ में WHO ने भी इसको मना कर दिया है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है, अगर कुछ है भी तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में है। मेरे ख्याल से वो लार्जर बेनिफिट जो वैक्सीनेशन का है उसमें हम देखें तो ऐसे कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं, कोई और खून पतला करने की दवाई या आपको लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो दवाइयां आप नियमित रूप से लेते आए हैं, जो दवाइयां आप नियमित रूप से लेते आ रहे हैं आपकी हार्ट की, डायबिटीज की, वो दवाइयां आप चालू रखें, उसमें कोई परेशानी नहीं है, और आपको इस वैक्सीन के कारण और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग खून पतला करने की दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, जिनको जैसे हार्ट डिसीज है, एस्पिरिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं, जिनके बाईपास ऑपरेशन या स्टेंट का ऑपरेशन हो रखा है या कोई और कारण के कारण खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, तो एक समय ऐसा आया था शुरुआती दौर में जबकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे थे कि क्या हम ये इसको लेने से क्या परेशानी हो सकती है, तो उसको लेने से खास कुछ परेशानी नहीं है। जहां पर आपको टीका लग रहा है वो लोकल अगर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, जो ब्रूस, जो एक छोटा खून का थक्का यहाँ पर जो बनता है वो उन मरीजों में जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनमें वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, जहाँ आप उसको एक मिनट तक दबा के रखते हैं, सामान्य जन उसको एक मिनट तक दबा के रखते हैं, जो खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं वो शायद उसको 5 मिनट तक दबा के रखेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद। इसका अर्थ ये हुआ कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है, अधिकांश बात
हैं जो फैलाई जा रही हैं वो भ्रम है, और पूरे देश को खासतौर पर युवाओं को आगे आके वैक्सीनेशन न सिर्फ कराना चाहिए बल्कि बाकी सब लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बिल्कुल सवाल और जो निकल कर आता है डॉक्टर साहब, वो ये कि जब बीमारी सामने आती है उस समय लोगों को लगता है कि अब वैक्सीनेशन कराएं, तो क्या ऐसे लोग जिन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही है या जिन्हें डायरिया हो गया है और शरीर शिथिल है, या फिर ऐसी माएं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, क्या उनको सबको भी वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए या डायरिया कमजोरी वालों को पहले स्वस्थ हो जाएं उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? देखिए, बेहतर तो ये रहेगा कि आप किसी भी अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो या तो आपकी बीमारी वो स्टेबल है या आप उससे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, तो बेहतर रहेगा कि ये उस समय ये वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन आपके शरीर में हो रही है उसको सहन करने की क्षमता भी शरीर में होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपको डायरिया हो गया है या कोई और किसी कारण से फीवर हो गया है या एक्टिव कोविड डिसीज है, तो ऐसे मरीजों को मेरी सलाह है कि आप वैक्सीनेशन के लिए ना जाएं। जब आप स्वस्थ हो जाएं तब उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, लैक्टेटिंग वुमेन को जो दूध पिला रही है, ऐसी माताओं को वैक्सीन लगाने में कोई एतराज नहीं है, वो जा सकती हैं और अपना वैक्सीन लगवा सकती। डॉक्टर साहब, ये कई लोग पर्चों के माध्यम से, टीवी के विज्ञापन के माध्यम से, बहसों से इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी नहीं है लेकिन अमुक दवाएं अगर खाली जाए तो कोरोना नहीं होगा, कोरोनिल खाली जाए तो कोरोना नहीं होगा, और नहीं तो होगा साथ में हुआ है तो भी उपचार हो जाएगा। आपकी क्या राय है, क्या वैक्सीन के अलावा कोई और दवा है जिससे कोरोना का इलाज हो सकता है या कोरोना नहीं हो इस तरह की शील्ड मिल सकती है? मृणाल भाई, अभी तक के जितने हमारे पास शोध हैं, जितने भी अनुसंधान हैं, उसके हिसाब से तो इस प्रश्न का उत्तर देना भी ठीक नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वैक्सीन के अलावा यहां पर और कुछ है ही नहीं। तो क्या ये माना जाए कि जो भी इलाज है वो, और इनफैक्ट इलाज नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेजर है, वो वैक्सीन है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉशिंग है, इसके अलावा और कोई दवाई अभी तक ऐसी कोई सिद्ध नहीं हुई है जिसका दावा माना जा सके? तो आप कह रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि कोरोनिल या और कोई दवाई प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं है और किसी तरह की शील्ड नहीं है। अगर लोग ऐसा मानते हैं कि ये ले लेंगे और वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो ये बड़ी चिंता की बात है। ये तो ठीक नहीं है, ये न उस व्यक्ति के लिए ठीक है, और जैसा मैं कहता हूँ, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि ये वैक्सीनेशन जो है ये एक नेशनल मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आधे लोग अगर वैक्सीनेट हो गए और आधे लोग नहीं हुए तो सिर्फ जो वैक्सीनेट हुए हैं वो सुरक्षित हैं और जो नहीं वैक्सीनेट हुए तो वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है, इनको हम दो खाई में नहीं बांट सकते। अगर कोई भी वैक्सीनेशन की लिंक से अगर छूटता है तो मान के चलिए कि सभी लोग असुरक्षित हैं, क्योंकि हमें वायरस के ट्रांसमिशन को रोकना है। ये वैक्सीन जो कर रही हैं वो वायरस के ट्रांसमिशन को रोक रही हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो वायरस के ट्रांसमिशन है उसको अगर हम रोक पाएंगे तो हम होने वाले आगे कोरोना के इन्फेक्शन को भी रोक पाएंगे, और जितना कम वायरस रेप्लिकेट होगा, जितना कम वायरस ट्रांसमिट होगा, उतना ही कम रेप्लिकेट होगा, उतने ही कम म्यूटेशन के चांसेस होंगे। तो जो खतरनाक म्यूटेशन जो हमारे सामने आ रहे हैं हम उनको भी असरकारक तरीके से रोक पाएंगे। तो हमें ये अगर ये वैक्सीन और ये तीन चीजें जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और चौथी चीज है वैक्सीन, इन चारों के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा सिद्ध प्रामाणिक दवाई या कोई साधन हमारे पास है जिससे कि हम कोरोना को रोक सकते हैं। अगर ऐसी कोई भ्रांति है तो मैं समझता हूं कि इस मंच के द्वारा मैं सभी से निवेदन करूंगा कि उन सभी को ध्यान न दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी तथ्य है। डॉक्टर साहब, परिवार के बच्चों को लेकर हर जगह बड़ी चिंता है, तो इन तमाम सावधानियों के साथ साथ
क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कोई सावधानी और रखनी चाहिए? जी, अभी तक की जो दो वेव्स आई हैं उसमें हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर कोरोना का असर बहुत कम हुआ है। उन्हें या तो लक्षण हुए ही नहीं हैं, अगर हुए हैं तो बहुत कम हुए हैं, उसके अलावा उन्हें कोई खास किसी ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं हुई है और वो ठीक हो गए हैं, ऐसी पिछली दो वेव्स में हमने देखा है। हालांकि जो फर्स्ट वेव थी और जो सेकेंड वेव थी उसमें एक एज ब्रैकेट का शिफ्ट जरूर हुआ था। जो पहली वेव थी उसमें 50 से ऊपर के मरीज थे, 50 वर्ष से ऊपर के मरीज थे, उनको कोमोर्बिडिटीज थी, वो मरीज थे। जब हम दूसरी वेव में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये एज ब्रैकेट शिफ्ट हुआ है और ये 30 और 40 साल के मरीज भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं। जो पूर्णतः स्वस्थ थे वो मरीज भी इसमें देखने को मिले हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो ये कहती हैं कि बच्चों को कोई अधिक परेशानी है, पर एक रिसर्च साइंटिस्ट जो है उनका एक धड़ा ऐसा मानता है कि जिस तरीके से एज ब्रैकेट में शिफ्ट हुआ है और खासतौर पर जब हम कि 18 साल से ज्यादा के बच्चों की हम वैक्सीनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तब ये चीज ऐसा लगता है कि शायद अगली वेव अगर आएगी तो वो शायद बच्चों के ऊपर ज्यादा असर डालेगी, पर फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। इंग्लैंड में अब केसेस की संख्या वापस से बढ़ने लगी है, हमें उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि पिछली दो वेव्स में हमने देखा था जो भी इंग्लैंड में हुआ था वो 2 से 3 महीने में हिंदुस्तान में हुआ था, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई वायरस म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी जो हमारे यहाँ के वायरोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको दिन और रात एक करके सिर्फ इसी काम में जुट जाना पड़ेगा कि हम प्रिडिक्ट कर सके, हम आने वाली वेव के पहले उसका नेचर और उसका एम्पलीट्यूड को प्रिडिक्ट कर सके। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के अंतर में जो सीख हमारी सरकार को यहाँ लेनी चाहिए थी या हमारे सिस्टम को यहाँ लेनी चाहिए थी, इसमें शायद बड़ी गलतियां रही, अन्यथा ये सेकेंड वेव को हम ज्यादा बेहतर तरीके से काउंटर कर सकते थे। बिल्कुल मृणाल भाई, और मैं इसके साथ साथ जो आपने सरकार और सिस्टम की बात कही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि हम एज ए इंडिविजुअल भी फेल हुए हैं, एज ए इंडिविजुअल भी हम फेल हुए हैं, क्योंकि जो सावधानियां हमने लॉकडाउन के दौरान इतने कष्ट झेले, इतनी परेशानियां झेली, इतना इकोनॉमिक स्लोडाउन झेला, अपने घरों में बंद रहे, इतने डिसिप्लिन तरीके से रहे, बट जैसे ही लॉकडाउन खुला तब हम जाके बाजारों में क्या देखते हैं कि लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, हाथ धोने बंद कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई हैं। ये सारे कारक उसमें थे। सरकार और सिस्टम तो डेफिनेटली है ही, बट हमारी भी अपनी जवाबदारी बनती है, हमारी भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो भी हमें ध्यान रखना है। और वो ही मैं कह रहा हूँ कि अब दूसरी वेव जाने को बैठी है, अब निश्चित तौर पर जा ही रही है, पर हमारे ये 3-4 जो अस्त्र शस्त्र हमारे सामने हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन, ये 4 जो अस्त्र हमारे साथ में हैं, इनका पूरा पूरा उपयोग करें और आने वाली तीसरी वेव को बचाने के लिए ये ही 4 चीजें कारगर हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वैक्सीनेशन की हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, आपने इतनी सारी बातें बताई, पर वो लोग जो सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं या खासतौर पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर काम कर रहे हैं या एयर ट्रेवल या ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। अब इनमें से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हाल ही में हुए हैं, वो ये सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे और इसलिए कहीं ना कहीं जाके 1 महीने का कोरोना से रिकवर होने के बाद 1 महीने का भी इंतजार नहीं हो रहा और वैक्सीनेशन उन लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए करवाना पड़ रहा है। इन लोगों के लिए क्या रास्ता है? इन लोगों के लिए तो मैं कहूंगा कि आप तो इन्हीं गाइडलाइंस पे
टिके रहें, आपको कोरोना से संक्रमण से उबरने के बाद कम से कम 3 माह का इंतजार करना ही चाहिए। जो वैक्सीनेशन में दो जो टाइम पीरियड दिया है सरकार ने, उस टाइम पीरियड का ही पालन करें। ऐसे फालतू में सर्टिफिकेट्स के लिए अपनी जान को जोखिम में ना डालें। पर हाँ, प्रशासन को जरूर ये देखना पड़ेगा, शासन प्रशासन को ये जरूर देखना पड़ेगा, और खासतौर पे जो ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उनको इन चीजों में रिलैक्सेशन जरूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए उसको। बहुत आपने साफ बात बताई और इसके खतरे की ओर भी आपने इंगित किया। थोड़ी सी चर्चा डॉक्टर साहब पोस्ट कोविड इश्यूज पे भी अगर आप अनुमति दें तो करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि इस बार सेकेंड वेव में बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट कोविड फैसिलिटीज सामने आई है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर चले गए उनकी भी बहुत बड़ी संख्या में मौत हुई, और इसमें जो देखने पे लगा लोगों को कि भाई सांस फूल गई, तत्काल हृदयाघात हो गया, तो ये कैसे समझा जाए कि हम कोविड से रिकवर हो गए हैं, एक बात, और दूसरी बात रिकवर होने के बाद घर जाने के बाद क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये स्थिति नहीं बने। आप सुन पाए डॉक्टर साहब, आप रिपीट करो। हाँ जी। तो ऐसा है मृणाल भाई, इसमें दो चीजें आपने बोली हैं। एक तो हृदयाघात के बारे में आपने बात कही है, जो असामयिक मौत हुई है, खासतौर पर उन लोगों में जो कोरोना से संक्रमण से बाहर आ चुके थे और बाहरी तौर पे स्वस्थ थे। एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि कोरोना चाहे कितना भी माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, किसी भी कैटेगरी का अगर कोरोना हो, चाहे आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही हो चाहे नहीं रही हो, चाहे आपको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा हो या नहीं रहना पड़ा हो, उन सारी कंडीशंस में अगर आपको कोरोना से संक्रमण हुआ है और तो आप प्लीज इस बात का सभी लोग ध्यान रखें कि अगले 3 महीने तक अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखें। फिर वही चीज है, हाइड्रेशन को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, पानी खूब पिएंगे, तरल पदार्थ खूब पिएंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे अगर उन्होंने किसी कारण से किडनी के पेशेंट हैं या अगर हार्ट के पेशेंट हैं। कई बार हम उनको पानी कम पीने की सलाह देते हैं, तो जो ऑप्टिमम मात्रा है वो अपने डॉक्टर से पूछ लें। बट आमतौर पर अपने बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखें, उसको भोजन भरपूर करें उसमें, और जो स्ट्रेस लेवल है, जो एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हैं, उनको धीरे 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 रैंप अप हमें करना है। हर हफ्ते जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए अगर पार्क के आप 6 चक्कर लगा लिया करते थे कोरोना से पहले, कोरोना होने से पहले, तो पहले महीने आप धीमे धीमे बढ़ाकर उनको 2 चक्कर कीजिए, दूसरे महीने तक 4 चक्कर कीजिए, और तीसरे महीने में जाके 6 चक्कर कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी कोरोना से पहले जो स्टेज थी, जो एक्सरसाइज टॉलरेंस थी, जो एक्सरसाइज का लेवल था आपका कोरोना से पहले, वहां तक पहुंचने में आपको 3 महीने लगाने हैं। चाहे आपका कोरोना माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जो स्पेशली वायरल मायोकार्डाइटिस के केसेस हैं, जिसमें कि कोरोना बाहरी तौर पे तो आदमी स्वस्थ महसूस करता है पर वो उसके हृदय पे कुछ प्रभाव छोड़ देता है। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स रहे हैं, कुछ एथलीट्स रहे हैं विश्व भर में, जिन्हें जो कोरोना से ठीक हुए थे और फिर अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करेंगे या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स रही हैं और उनको हृदयाघात या ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम एक्सरसाइज लेवल्स जो है हमारा वो धीरे 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 बढ़ाएं, जिससे कि हमारा प्री एक्सरसाइज लेवल जो है, प्री कोरोना एक्सरसाइज लेवल जो है, वो 3 महीने बाद अचीव हो और हर हफ्ते हम उसमें 10-15% की बढ़ोतरी करें। अगर हम पहले 5 मंजिल आराम से चढ़ जाया करते थे तो पहले महीने हम सिर्फ 1 मंजिल तक चढ़ने का प्रयास करें, उससे ज्यादा नहीं। दूसरे महीने उसमें 1-2 मंजिल और जोड़ लें और फिर तीसरे महीने के बाद ही हम 5 मंजिल
तक ऊपर चढ़ना शुरू करें। ये तो रही एक चीज। दूसरी चीजों का आपको ख्याल रखना है, एक तो अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन घर जाने के बाद भी लगातार आप दिन में 3 से 4 बार नापते रहें, अगले तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक, और अपना टेम्परेचर नापते रहें और अपना ब्लड प्रेशर नापते रहें अगले 2 से 3 हफ्तों तक। फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं, फिर 2-3 हफ्ते के बाद दिन में 1 बार कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और इसको ऑक्सीजन सेचुरेशन को आपको सिर्फ नापना ही नहीं है, उसको नाप के आपको कागज पे लिखना भी है। बेहतर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो चार्ट उनके साथ में लेके जाएं, अपने साथ में लेके जाएं, जो आप डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं, कुछ टेस्ट दे सकते हैं आपको करने के लिए, सीटी स्कैन वगैरह के लिए बोल सकते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके। दूसरी चीज, मैं हर मरीज को ये बोल रहा हूँ कि जब आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो उसके बाद बेहतर ये होगा कि भले ही ऊपरी तौर से आप स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, पर एक बार कोरोना ठीक होने के 15 दिन बाद और उसके 1.5 महीने के बाद, यानी तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद, कोरोना से ठीक होने के 1.5 से 2 महीने के बाद, ये 2 विजिट तो आप अपने डॉक्टर से करवा ही लें ताकि वो आपकी पूरी तरीके से जाँच कर लें, अगर जरूरत होगी तो कुछ टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे, जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, उसका हमें ज्ञान पहले से हो जाए और हम उसके रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठा सकें। जी डॉक्टर साहब, ये कितनी तरह की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या हम घर पर मरीज को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन उनके साथ हो रहा है ताकि समय पर उस पर कार्रवाई की जा सके? जी मृणाल भाई, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो माइल्ड चीज़ें हैं जैसे शरीर में थकान होना, ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो लगभग लगभग हर मरीज में हो रहा है जो भी कोरोना से बाहर उठ रहा है। थकान बहुत ज़्यादा है, कई बार वो थकान जो है वो पहले हफ्ते में उतनी नहीं होती है जितनी दूसरे और तीसरे हफ्ते में होती है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये थकान होना। दूसरी चीज़ इसमें है सांस फूल जाना, थोड़ा सा भी चलते हैं तो उसके बाद सांस फूल जाती है, और कमज़ोरी होना, ये अनिद्रा की शिकायत होना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, ये एक बहुत आम लक्षण हमने पोस्ट कोविड में माइल्ड वैरायटी में देखा है। इसके इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल्का फुल्का बुखार रहता है या थकान रहती है तो एक आध क्रोसिन की गोली हम ले सकते हैं, बट इस दौरान ध्यान रहे कि आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन जरूर नापते रहें। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है तो हम इसको माइल्ड बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन भी गिरना शुरू होता है तब आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे। इसके अलावा कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, जिसमें कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। खासतौर पे ये उन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो दुर्भाग्यवश अस्पताल में या आईसीयू में भर्ती थे, तो आखिर उनके आसपास के नज़ारे उन्होंने ऐसे देखे हैं जो उनके स्मरण से बाहर नहीं जा रहे हैं, और उसके कारण उनको बहुत परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। मेरे ख्याल से उसमें परिवार का और समाज का और आसपास के यार दोस्तों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, जिससे कि वो उन बुरी यादों से उनका छुटकारा हो। अगर परेशानी होती है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा। ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स में इससे ज़्यादा परेशानी आ रही है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कम होना, या देखा गया है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होना, 130, 140 तक की बेसलाइन हार्ट रेट है, सोते समय भी हार्ट रेट जो 80, 90, 70 तक चली जाती है, वो 130, 140 की रेंज में वो हार्ट रेट बनी हुई है, तो ये तमाम सारी चीज़ें मॉडरेट उसमें है। जैसे सीवियर मैंने आपको बताया, अचानक से सांस फूल जाना या ऑक्सीजन कम होना, जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। दूसरी चीज़ जो असामयिक हृदयाघात होना, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, और तीसरी चीज अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम होना, एक और नई परेशानी देखने में आई है जिसे बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, जिसमें कि शरीर के जो फेफड़ा है और जो छाती
जो छाती है उसके बीच में हवा भर जाती है, जिसे निमोथोरैक्स बोलते हैं। ये भी एक परेशानी है जो आमतौर पे अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना के बाद देखने में आई है। पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और अचानक से उनकी सांस फूलती है और वो वापस से अस्पताल की ओर भागते हैं। इसके अलावा जो सबसे गंभीर परेशानी जो हम लोग जूझ रहे हैं जिससे, और वो है म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल ब्लैक फंगस की। ये ब्लैक फंगस हर जगह देखने को मिल रही है, ये हमारे साइनसेस में देखने को मिल रही है, फेफड़े में देखने को मिल रही है, आंतों में देखने को मिल रही है, और ये काफी गंभीर रोग है। इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपकी नाक एक तरफ की बंद होती है, नाक में से काली क्रस्टिंग, काले पपड़ी अगर निकलती है, काला द्रव अगर बाहर निकलता है, अगर एक तरफ के गाल में सूजन होती है, आंख के नीचे, आंख में, जबड़े में, दांत में, एक तरफ के सिर में, अगर कोरोना के बाद अगर आपको दर्द होता है तो, या आंख में दिखने में कोई परेशानी होती है या धुंधला दिखता है, अगर ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो बिना देर किए मेरा निवेदन है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो आपके MRI या लोकल एग्जामिनेशन करने की जरूरत हो उसको वो करवा सकते हैं और यहाँ पे साइनसिस के ब्लैक फंगस की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगातार खांसी बनी रहती है, बलगम में काला द्रव्य आता है या काले पदार्थ अगर आते हैं, बलगम में खून निकलता है, लेटिन के रास्ते खून निकलना शुरू होता है, अचानक से कब्जियत हो जाती है या अचानक से डायरिया हो जाता है, ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं और इसको जितनी जल्दी अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और उतनी ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो इसमें कुछ संभावना है, नहीं तो ये बहुत ही घातक बीमारी है और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बाय एंड लार्ज हमारे पास पोस्ट कोविड के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मरीजों में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इनका ध्यान रखना है, लेकिन कई बार परिवारजन या मरीज जिनको पहले से साइनस है या माइग्रेन है, वो जब जबड़े में दर्द होता है या इस तरह की चीज होती है तो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये माइक्रो काली ब्लैक फंगस की शुरुआत है या फिर ये जो पहले से उनको कभी कभी सिम्टम्स होते थे, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स या फिर साइनसिस के सिम्टम्स या माइग्रेन के सिस्टम वो हैं। तो आपने जो ये बताए कि ये चीजें लक्षण हैं, इनमें से एक आध लक्षण होने पर भी चला जाना चाहिए या 2-3 लक्षणों का योग होने पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है? अगर मृणाल भाई, अगर किसी मरीज को कोरोना हुआ है और अगर उनका पहले से डायबिटीज या कोई और गंभीर बीमारी उनको रही है, तो मुझे लगता है कि कोरोना होने के बाद ऐसे किसी भी लक्षण को कमजोरी में नहीं लेना है। आप स्वयं के डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं और वो आपकी जांच करके आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा कुछ नहीं रहा और वो अगर डॉक्टर इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि ये ब्लैक फंगस है, तो बहुत अच्छी बात है, एक वो मामूली दवाई एंटी एलर्जिक लिख के आपको वापस कर देंगे। बट मुझे लगता है आप अपने आप डॉक्टर ना बने, आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें आपका इलाज करने दें, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ मिसिंग अ डायग्नोसिस है वो बहुत गंभीर है। जो अगर हमने वो डायग्नोसिस ब्लैक फंगस की मिस कर दी तो उसका जो मोल चुकाना पड़ेगा वो बहुत गंभीर होगा और एक एक दिन उसमें भारी है। मेरे ख्याल से अगर थोड़े से भी लक्षण है तो डॉक्टर के पास जाना उचित है, बजाय इसके कि उसको टाल देने के। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, जान है तो जहान है और हिंदुस्तान में जैसी प्रवृत्ति है उसमें तो कतई बहुत सारे लोग रिस्क ले लेते हैं, वो रिस्क कतई नहीं लेनी चाहिए और तुरंत चिकित्सक की सलाह की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल से हम इस बात को समापन करेंगे और फिर आपके अनुभव कुछ अपनी ओर से जो हमें कहना चाहें तो उस बात को सुनेंगे। वो ये कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, हम सब इस पे सहमत हैं, दूसरों को भी करवाना है इस पर भी हम सब सहमत हैं, इसको राष्ट्रव्यापी अभियान बनाने में भी हम सब पूरा देश इसमें सहयोग कर भी रहा है, इसकी मांग भी कर रहा है और इसकी गंभीरता से भी परिचित है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन कितने समय तक असरकारक रहती है,
क्या ये जीवन पर्यंत असरकार रखे, एक बार वैक्सीन के दो डोज ले लिए, या फिर साल डेढ़ साल में हमें वापस वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, और हम कितना सुरक्षित इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद खुद को महसूस करें? मृणाल भाई, ये सारे अभी अनसुलझे प्रश्न हैं, इनका जवाब हम सब तलाश रहे हैं। ये एक नई बीमारी है, इसका मात्र 1.5 साल का अनुभव है हमें, इससे ज़्यादा का अनुभव है नहीं। फिलहाल तो ये माना गया है कि ये वैक्सीन कम से कम 8 से 12 महीने के लिए तो असरकारक है ही। अभी इसके बाद ये वायरस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि ये वायरस कितना ज़्यादा म्यूटेट करता है। कुछ म्यूटेंट्स जो हैं इसमें सम्मिलित हैं, इन वैक्सीन्स में, और वो उसके ऊपर असरकारक हैं। बट जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हम देखते हैं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है वो भी वायरस इससे मिलता जुलता वायरस है, और वो भी लगातार म्यूटेट करता रहता है। तो हम हर साल वो वैक्सीन लगाते हैं कुछ चुनिंदा एज ग्रुप्स में, और जो उनको कोमॉर्बिडिटीज होती है उनमें हर साल तकरीबन 4 साल तक ये वैक्सीन लगता है, जिसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हम बोलते हैं। क्या ये इस तरीके की वैक्सीन आगे चल के बनेगी? क्या हमें ईयरली बूस्टर्स लगवाने पड़ेंगे, या सिर्फ एक और बूस्टर लगवाने से काम हो जाएगा? ये सारे अभी अनसुलझे प्रश्न हैं। फिलहाल के लिए तो मैं कहूँगा कि शायद ये जो 2 वैक्सीन हमने लगाई हैं, ये आने वाली 1 या 2 वेव्स में तो हमारी रक्षा करेगा ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दें। ये हमें कतई नहीं छोड़ना है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने लिए भी है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए भी है। इस चीज में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए आने वाले अगले 2, 3, 4 सालों तक, जब तक कि ये कोरोना को हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दें। मैं महेंद्र जोशी जी, हमारे साथ AICC के सेक्रेटरी भी हैं, और ये जो हम प्रशिक्षण और जागरूकता की गतिविधियां चलाते हैं, इस विभाग के सचिव भी हैं, उनको आमंत्रित करूं। डॉक्टर साहब, उससे पहले एक बार आपकी ओर से जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के क्या अतिरिक्त लाभ और क्या हो सकते हैं, और आप अगर अपनी अपनी ओर से हमारे दर्शकों को, उन साथियों को, युवा चेहरों को कहेंगे कि वैक्सीन लगाना क्यों जरूरी है और किस तरह से वो इस अभियान में जुड़े, तो निश्चित तौर पे आपकी बात प्रामाणिक बात रहेगी और हमारे इस अभियान को गति देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले, और इनफैक्ट विश्व में सबसे पहले वैक्सीन जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी थी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सबसे पहले ये वैक्सीन्स लगवाई हैं, अपने ऊपर लगवाई हैं और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। उसके बाद की जो जितनी भी स्टडीज हुई हैं, PGIN चंडीगढ़ ने स्टडी की है, एम्स ने स्टडी की है और दूसरे अस्पतालों ने इसकी स्टडी की है, और ये पाया है कि जो सेकेंड वेव थी उसमें ये वैक्सीन बहुत असरकारक साबित हुई, और इसमें जो भी डॉक्टर्स और जो भी हेल्थ केयर स्टाफ जो फुली वैक्सीनेटेड था, इवन एक वैक्सीन भी जिसको लगी थी, उसमें सीवियरिटी ऑफ डिसीज जो है वो बहुत कम रही है और डेथ तो जीरो रही है कोरोना के कारण। इससे बड़ा और कोई सबूत हो नहीं सकता है। ये किसी एक आइसोलेटेड जगह पे ट्रायल नहीं किया गया था, ये पूरे विश्व में हुआ है, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, मुझे भी लगी है, मैंने भी 2 वैक्सीन्स लगवाई हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता है कि वैक्सीन सुरक्षित है, और हम सभी को जिम्मेदारी पूर्वक इसे लगवाना भी चाहिए, और आस पड़ोस में अपने सभी यार दोस्तों को, परिवारजनों को, अपने एम्प्लॉयर्स को, आपके जो पर्सनल स्टाफ हैं उनको, सबको प्रेरित करना चाहिए कि ये वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यूं तो सवालों का सिलसिला तो अनंत है और कई सारे प्रश्न हैं क्योंकि समस्या विकट है, लेकिन आपने अपने व्यस्त समय में से हम सबके साथ समय निकाल के इतनी सारी बातें बताई, उसको देख के ऐसा लगा कि तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी अभी तक बहुत से ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हमें जागरूकता का अभाव है, जानकारियों का अभाव है। और इसको देख के एक आपका लास्ट कमेंट इस पर भी लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि ये इतनी सारी नई बातें हमें पता चली जबकि हम मीडिया, अखबार भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं,
ये सेंसिटाइजेशन पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है, ये कमजोरी क्यों है सिस्टम की? आज जब आप बता रहे हैं कि अगले निरंतर हमको इस लड़ाई से लड़ाई लड़नी है, लेकिन अगर टीवी खुले तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी वेव पर भी हिंदुस्तान ने विजय पाली और पुरानी गति से ही जो चीजें थी वो चल रही थी, सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि अब प्रकरण कम होते जा रहे हैं तो अब इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और पुराने ढर्रे पर ही व्यवस्था वापस जा रही है। तो सेंसिटाइजेशन क्या निरंतर चलना चाहिए और इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते जी मृणाल भाई, ये सेंसिटाइजेशन निरंतर इसका चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर लेवल पे चलना चाहिए, सरकार के लेवल पे चलना चाहिए, मीडिया के लेवल पे चलना चाहिए। जैसी जिम्मेदारी आपने दिखाई है और आज ये ऐसा मंच आपने बनाया है जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी सेंसिटाइजेशन का एक माध्यम ही है। मुझे लगता है कि इसमें हर चिकित्सक, हर नागरिक, हर रोगी, हर इंस्टीट्यूट, हर संस्थान, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उठकर खड़े हों और इस समय में जितनी ज्यादा सेंसिटाइजेशन, जितनी ज्यादा जागरूकता इस माध्यम के, किसी भी माध्यम के अनुसार के माध्यम से अगर हम इसको जानकारी को फैला सकें तो वो ज्यादा अच्छा है। कॉलोनियों में ऐसे शिविर लगने चाहिए, सोसाइटीज में ऐसे शिविर लगने चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, हर सोसाइटी में, हर कॉलोनीज में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, कहीं ना कहीं आसपास में कोई या तो डॉक्टर है या तो डॉक्टर उनका परिचित होगा या सोशल वर्कर होगा। मेरे ख्याल से उन सभी को ये बीड़ा उठाना चाहिए और तमाम जानकारियां लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और आप जो कर रहे हैं उसका आपको साधुवाद। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो सब इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो जरूर ये बात हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कम से कम इसमें हम तो हमारी जिम्मेदारी अदा कर ही रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के स्तर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक स्पष्ट संदेश हम सबको दिया है कि जब तक ये एक विकट कठिनाई हमारे सामने है तब तक राजनीतिक कार्यक्रम दूसरी प्राथमिकता पर रहेंगे और कोरोना से लड़ना, जनता की सेवा करना, उनमें जागरूकता पैदा करना ये पहली प्राथमिकता का काम है। और भरसक हमारे युवा साथियों ने, युवक कांग्रेस ने, दूसरे कांग्रेसजनों ने जो प्रयास किया है इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री महेंद्र जोशी जी से, सेक्रेटरी एआईसीसी, के क्लोजिंग कमेंट कहें। काफी सवाल हैं लेकिन सारे सवाल लेना संभव नहीं हो पाएगा। महेंद्र जी जोशी जी। धन्यवाद मृणाल भाई। आदरणीय डॉक्टर आशीष जैन साहब, मीनाक्षी जी, सीताराम लांबा जी, मृणाल जी और सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम एक राजनीतिक जमात के लोग हैं, हम सबसे पहले एक बड़ा आप डॉक्टर आशीष जैन साहब के माध्यम से एक धन्यवाद देना चाहते हैं देश के तमाम फ्रंटलाइन डॉक्टर्स को, वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को इस देश में, जो जिस तरीके से आप लोगों ने जो कुछ किया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने को या उसके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने को मैं, हमारे पास शब्द नहीं। उसका कारण यह है कि मैं स्वयं और मेरी पत्नी, हम दोनों कोरोना पॉजिटिव होकर के 27 दिन हॉस्पिटलाइज रहे। उस दौर में मैंने अपने जीवन निकट से, आप सबकी सेवाओं को जिस निकटता से, जितनी शिद्दत से महसूस किया है, उसके लिए शायद ये जीवन कम है, मैं आभार व्यक्त करूं और शायद समूचा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। आपने जितने सरल शब्दों में और जितने प्रभावी ढंग से आपने अपनी बात को कहा, और सारे प्रश्नों के, ये समझ लीजिए कि सबको बड़े गले उतरने वाले और दिमाग में बैठ जाने वाले उत्तर दिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे ये लग रहा था कि जब हमारे इतने प्रश्न हैं तो स्वाभाविक रूप से आपने जो कहा और मृणाल भाई ने जो कहा कि सेंसिटाइज करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है हमें दो जगह, दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा लेकिन आपकी बात को ही कहना चाहूंगा। उन प्रश्नों के अंदर भी ये बातें निहित थी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारी लीडरशिप, राहुल गांधी जी ने, मुझे याद है 12 फरवरी 2020 में इस महामारी के प्रति सचेत किया था भारत सरकार को, और उसके बाद से निरंतर
हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते गए कि यूं कहिए कि हम अपनी गलतियों से हमने खमियाजा भुगता और बड़े स्तर पर भुगता है। मुझे लगता है एक तरफ हम अज्ञान से लड़ रहे हैं और विज्ञान को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञान को चूंकि चर्चा ज्यादा होती है, बात ज्यादा होती है, इसलिए आमतौर पर जिस आदमी तक सही बात पहुंचना चाहिए वहां तक अभी बात नहीं पहुंच। अब इसमें हमें ये कर सकते हैं, आपके आज का जो रिकॉर्डिंग किया है सीताराम लांबा जी उनकी टीम ने, इसमें से जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सबको हम लोग अगर लोगों में एक वैज्ञानिक चेतना के साथ में लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि ये है क्या, कैसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि अज्ञात शत्रु के में अज्ञानता के साथ लड़ने पर मुझे लगता है कि हम उतने कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए लोगों में डिसिप्लिन कैसे आएगा, तो मुझे लगता है सबसे पहला अनुशासन सही मायने में देश के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को दिखाना चाहिए। हमारी सोशल पोस्चरिंग अगर लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा करती है, हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर कहीं रैलियां और कहीं शादियां और बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने लगते हैं, तो आम जन में ये भावना जाती है कि शायद कोरोना समाप्त हो गया है या अब इसका कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोगों को जो खास करके सार्वजनिक जीवन के लोग हैं हम लोग ये करेंगे। और उसमें डॉक्टर साहब आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास बड़ी मशीनरी होती है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर पॉलिटिकल हम जैसे जो लोग अभी बहुत अधिक ग्राउंड में एक्टिव नहीं हो सकते, तो कम से कम वर्चुअली या अन्य माध्यमों से अपने प्रभाव क्षेत्र में जितने लोगों को हम शिक्षित कर सकें, जागरूक कर सकें, तो शायद ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं थोड़ा सा इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग वैक्सीन की या तमाम बातें, जिस व्यक्ति ने अभी वैक्सीन के खिलाफ और पूरी मेडिकल फेटर्निटी के खिलाफ बहुत तमाम बातें करी, वो व्यक्ति आज स्वयं इस बात को कह रहा है कि हाँ मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। तो समझ लेना चाहिए कि ये एक बड़ा विचित्र सा युद्ध है जिसमें वो भोला भाला आदमी जिसके प्रति हम सबकी जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत ही विचित्र सी, जैसे गोबर और गौमूत्र और जादू ओझा और वगैरह वगैरह इन सब चीजों से बचाने में नैतिक, हमारा नैतिक और मानवीय धर्म भी होता है। और डॉक्टर साहब की आज की वार्ता, मुझे भी बहुत सारे ऐसे नए आयाम पता चले हैं। मैं विगत दिनों में लगातार इन सब चीजों को देखता समझता आया हूं, लेकिन जितने सहज सरल तरीके से, और आप चूंकि उस यूं कहिए कि सारा लड़ाई सांसों की है और आप सांसों के विशेषज्ञ हैं, आपने आज हमारी सांस में सांस ला दी। आज आपकी बातों को सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से हम सब एक जो काम कर रहे हैं उसमें उसको और गति देंगे। और हम चाहते हैं कि समय समय पर मृणाल भाई और सीताराम लांबा जी और सारी टीम जब भी कभी अवसर मिले, मुझे लगता है कि हम लोग अगर एजुकेट होंगे तो हम अधिक लोगों को और जागृति पैदा कर सकेंगे। आप सबको मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे लीडर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि भारत का एक आम आदमी हम लोगों की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है, तो हम उसकी आशा को कहीं भी निराशा में न परिवर्तित न होने दें। और डॉक्टर आशीष जैन जैसे विद्वान हमारे बीच आते रहें, वो हमें बताते रहें और हम लोगों तक पहुँचाते रहें। मेरा मानना यह है अंधेरे से लड़ने का एक ही इलाज है, उसमें ज्ञान का और वैज्ञानिक चेतना का उजाला हमको पैदा करना पड़ेगा, तब जा करके इसका कुछ हल निकलेगा। लड़ाई लंबी है और हमको थकना नहीं है, बहुत दूर जाना है। नेहरू जी ने कहा था माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वही कुछ यात्रा जारी रहेगी। पुनः आप सब की ओर से डॉक्टर आशीष जैन को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, आप दीर्घायु हों और आप ऐसे ही लोगों की सेवाएं करते रहें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। मैं सचिन राव जी की तरफ से और पूरे प्रशिक्षण हमारी फेटर्निटी की तरफ से आपको धन्यवाद देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह बना रहे, आपकी सच्चाई और सरलता के लिए आभार, और आपने समय निकाला, हमें सबको सूचनाएं दी, मार्गदर्शन दिया, बहुत आभार। महेंद्र जोशी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन जी पूरे समय हमारे बीच इस चर्चा में रही। बहुत कांग्रेस के सभी साथियों को जिन्होंने इसे फेसबुक लाइव करने में और इस जानकारी को नीचे तक पहुंचाने में हमें सहयोग किया, सोशल मीडिया के अवनीश भाई, यूथ कांग्रेस के और बाकी सभी मित्रों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।